कहते हैं हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। ऐसा ही एक उदाहरण है ऊना जिला के कुठार कलां के रहने वाले रविंद्र शर्मा का। कोरोना संकट काल के चलते 13 वर्ष तक नौकरी करने के उपरांत अपने घर लौटे रविंद्र शर्मा ने हताश होने की बजाय पॉली हाउस लगाने का निर्णय लिया। वे पॉली हाउस में जरबेरा फूलों की खेती करना चाहते थे, लेकिन कोरोना संकट के मद्देनजर बागवानी अधिकारियों ने उन्हें खीरे की खेती करने की सलाह दी। उनकी सलाह मानते हुए उन्होंने 2000 वर्ग मीटर पॉली हाउस में 5000 खीरे के पौधे लगाए और अब उनकी हिम्मत, जुनून और मेहनत की फसल लहलहा रही है। पॉली हाउस लगाने के लिए बागवानी विभाग ने उन्हें कुल लागत की 85% सब्सिडी मुहैया करवाई। पॉली हाउस के निर्माण पर कुल 22 लाख रुपए खर्चा आया, जिस पर विभाग ने उन्हें 17 लाख रुपए का अनुदान दिया। विभाग ने पॉली हाउस लगाने से पूर्व रविंद्र शर्मा को पुणे में संरक्षित खेती का प्रशिक्षण प्रदान किया। रविंद्र शर्मा पॉली हाउस में टपक सिंचाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे न सिर्फ पानी की बचत होती है, बल्कि पौधों को आवश्यकता अनुसार सही समय पर पानी उपलब्ध होता है। अपनी सफलता के बारे में रविंद्र बताते हैं कि बागवानी विभाग के अधिकारियों की सलाह पर मैंने नवस्थापित पॉली हाउस में खीरे की खेती शुरू की। अब फसल तैयार हो रही है, लेकिन स्थानीय बाजार में रेट कम होने के कारण मैं पंजाब में अपने खीरे बेच रहा हूं, जिसके अच्छे दाम मिल रहे हैं। पंजाब में खीरा फिलहाल 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। पौधे लगाने के 45 दिन बाद अब तक 2 टन खीरे का उत्पादन हो चुका है। अगले माह में लगभग 25 टन पैदावार होने की उम्मीद है। मेरा नाम रविंद्र शर्मा है, मैं जिला गाँव कुठार हूँ। मैंने यहाँ 2000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस लगाया है, जिसमें सरकार ने काफ़ी मदद की। बागवानी विभाग द्वारा मुझे इसमें करीब 85% अनुदान दिया है। जब मुझे ये पॉली हाउस मैंने 85% अनुदान दिया है जब मुझे ये पॉली हाउस मैंने लगाया था तो इसमें मेरा खर्चा करीब 22 लाख के आया, जिसमें से 17 लाख जो है वो बागवानी विभाग द्वारा जो है अनुदान मुझे दिया गया था। इसमें मैंने अभी कुकुम्बर लगाया है, जबकि इसे जब मैंने लगाना था, जब मैंने इसको स्टार्ट किया था, तो मैंने इसमें जरबेरा की खेती के बारे में योजना बनाई थी, लेकिन कोरोना के चलते उसे मुझे पीछे हटना पड़ा। तब बागवानी विभाग जिला ऊना के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष चंद जी और यहाँ के एसएमएस डॉक्टर के भारद्वाज जी ने फिर मुझे सलाह दी कि आप जब तक कोरोना का है तब तक आप इसमें कुकुम्बर की खेती कर सकें। तो उन्होंने इस दौरान मेरी काफ़ी मदद की। उन्होंने मुझे कई पॉली हाउस दिखाए आसपास के, जहाँ पर लोगों ने कुकुम्बर की खेती भी कर रहे हैं, फूलों की खेती भी कर रहे हैं। तो उन्हें देख करके मैं काफ़ी प्रोत्साहित हुआ कि जब ये लोग करते हम लोग भी कर सकेंगे। कुकुम्बर की खेती के दौरान भी हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन विभाग ने पग पग पे काफ़ी हमारी मदद की। जो लोकल यहाँ की मार्केट है, लोकल मंडी है, यहाँ पे कुकुम्बर का रेट हमें काफ़ी कम मिल रहा था। मतलब हम एक दूसरे का पूछा भी, काफ़ी कम रेट था। तो फिर मैंने विभाग से चर्चा की तो उन्होंने हमें सलाह दी कि आप थोड़ा बाहर निकलें, आप चंडीगढ़ या नंगल की तरफ जाएं, उस तरफ के रेट अच्छे हैं और मार्केट भी आपको बढ़िया मिल जाएगी। तो उन्हीं की सलाह पे फिर मैं आगे निकला और आज मुझे 45 दिन हो चुके हैं कुकुम्बर को लगाए हुए। तो करीब 2 टन के आसपास मैं इसका अभी मटेरियल ले चुका हूँ और मुझे वहाँ रेट अच्छा मिल रहा है। रेट अभी अभी करीब 40-140 के एवरेज जो है वो अभी तक आई है। तो कुल मिला के अभी तक अच्छा रहा है और ये क्रॉप जो है अभी 2 महीने और चलेगी। खेती को लेकर के कई भ्रांतियां भी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि खेती अब सबकी बस की बात नहीं है। मैं खुद भी नौकरी करता था और मैं नौकरी छोड़ करके इस लाइन में आया हूं। जो संरक्षित खेती है, यानी जो पॉली हाउस के अंदर जो होने वाली खेती है, वो काफ़ी हद तक जो है वो तकनीक